हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस यार आज हम लोग यार दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और यार जैसा कि आप सभी लोग को यार याद ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में यार हमने अपने विलेज को थोड़ा सा एक्सपैंड करा था। और मुझे पता है यार आजकल कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी यार, लेकिन यार अब से आएंगे क्योंकि यार मैं थोड़ा बिजी हो गया था यार मतलब पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि आपको पता है यार 10th के बोर्ड्स आ रहे हैं और आप में से जितने ही बंदे 10th में आप लोग को यार पता ही होगा। बाकी यार अब से यार अच्छे वीडियोज़ आएंगे क्योंकि यार आज लास्ट दिन था यार स्कूल का हमारे। और उसके बाद यार अभी से मतलब पूरा हमारी क्लासेस यार सस्पेंड हो चुके, तो अब यार अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बना पाऊँगा यार, अच्छे से टाइम दे पाऊँगा यार दोनों चीज़ों को, पढ़ाई को भी और इसको भी। तो चलो फिर यार स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वाली वीडियो में यार काफ़ी मज़ा आने वाला है हमेशा की तरह, तो यार लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। चैनल की रीच थोड़ी सी डाउन हो गई यार, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही लेट वीडियोज अपलोड कर रहा था इसलिए, तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। बाकी यार स्टार्ट करते हैं, आई होप आप लोग को यार मज़ा आएगा। तो गाइस यार मैंने ऑफलाइन कुछ चेंजेस करे जैसे कि घोड़े का स्टेबल, और मैं बोल रहा था यार कि मतलब मैंने ऑफलाइन चेंजेस करे यार काफ़ी सारे, और मैं विलेजेस को भी ले आया था यार ऑफलाइन भाई। तो गाइस यार सबसे पहले तो आप लोग को यार विलेजेस से मिलवाता हूँ यार। ये देखो यार भाई, यार इनमें से यार कुछ तो इतने बदमाश है, मतलब आप लोग को लास्ट टाइम याद ही होगा अपने पर यार बस एक विलेजर बचा था, और मतलब मैं दूर वाले विलेज में गया, वहाँ से एक विलेजर को लेकर के आया तो दो मतलब साथ बैठ गए, और उसके बाद दोनों ने एकदम रास्ते में स्टार्ट कर दिया भाई। और उसके बाद यार पॉपुलेशन एकदम बढ़ते चली गई भाई, आप लोग यार देख ही सकते हो अपने पर यार अभी भी कम से कम 8-10 विलेजर्स हो गए भाई आयरन फार्म बनाने के लिए यार, मतलब एनएफ है। तो हम लोग यार नेक्स्ट एपिसोड में आयरन फार्म बनाने वाले भाई। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यार माइनिंग करने के लिए चलने के लिए, लेकिन एक दिक्कत है भाई, मुझे आयरन दिख गया है, लेकिन यार एक दिक्कत है क्योंकि यार अगर हम लोग ज़्यादा डीप डाउन माइनिंग के लिए जाएंगे तो यार विलेजर्स अपने मर जाएंगे। गाइस यार तो हम लोग बाहर आ चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ ना यार कि अपने विलेज को पूरा फेंस से कवर कर देते हैं ताकि यार ज़ॉम्बीज़ वगैरह का कोई ख़तरा नहीं रहे अगर हम लोग माइनिंग के लिए जाए। भाई 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 यार एक काम करते हैं पहले, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, घोड़े वोड़े को लेके नहीं जाना यार, हम लोग ऐसे ही चलते हैं यार लकड़ी वगैरह काटने के लिए, और उसके बाद यार फेंसिंग वगैरह कर दी जाएगी भाई। और फेंसिंग वगैरह करने का यार एक ये एडवांटेज है कि ज़ॉम्बीज़ नहीं आएंगे। ऑल डन यार, सारी चीज़ अपनी हो चुकी है, और बस लकड़ियों को बदलना है प्लैंक्स में, और मतलब लॉग्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद यार बनाने हैं फेंसेस। तो जल्दी जल्दी से यार बना लेते हैं, बाकी बारिश स्टार्ट हो चुकी है क्या पता कैसे। भाई यार तो गुड मॉर्निंग यार, हम लोग सो करके उठ चुके हैं यार अगेन, और बारिश भी बंद हो चुकी है भाई। और अब जल्दी जल्दी से यार कवर करना स्टार्ट करते हैं यार, और अपने यार ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट क्या यार दो स्टैक हो ही चुका है भाई। तो गाइस यार अपने जो फेंसेस है वो यार ख़त्म हो चुके हैं यार, अब थोड़ा सा और यार बाकी, मतलब आई थिंक अभी मतलब बस 70% ही काम कंप्लीट हुआ है, तो यार और फेंसेस यार बनाने पड़ेंगे भाई, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। नाइस, इधर के एक सेकंड भाई, मतलब यार ये जो ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते आते हैं ना इसमें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है भाई लगाने में, तो जल्दी जल्दी यार इसे भी यार लगा के कंप्लीट कर देते हैं भाई। और उसके बाद यार आगे का काम भी निपटाना है। ऑल डन यार, अपनी फेंसिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब लास्ट यहाँ पे एक फेंस का गेट लगा दिया जाए भाई, क्योंकि यार बिना फेंस के गेट के यार हम लोग अंदर बाहर जा नहीं सकते भाई। तो जल्दी जल्दी से एक को तोड़ के यार यहीं पे लगा देते बस, और बाकी यार विलेजर्स वगैरह बाहर होंगे तो यार उनको भी यार अंदर कर देंगे यार। बाकी तो अभी एक को मैंने कर दिया है भाई, और बाकी कोई तो मुझे दिखा नहीं है भाई। हाँ तो यार सारा काम डन हो चुका है, और कुछ फेंसेस बच भी गए, और मैंने टॉर्चेस वगैरह भी लगा दिए पूरे के पूरे विलेज में ताकि यार अंदर ज़ॉम्बीज़ वगैरह स्पॉन ना हो। और उसके बाद यार अब हम लोग चलते हैं यार माइनिंग के लिए, लेट्स गो गाइस। तो चलते हैं भाई, और मैं यार इधर के लिए आ गया था थोड़ा सा, मतलब अपने क्रॉप्स वगैरह मतलब वो जो अपना विंड मिल है ना यार उसे चेक करने के लिए थोड़ा सा आ गया था, और थोड़ी बड़ी मतलब मैंने वुड भी यार ले लिया यहाँ से। और अब चलते हैं यार जल्दी जल्दी से माइनिंग करने के लिए, और माइनिंग करने के लिए एक अच्छे से किया मुझे पता है यार, और बस फिर चलते हैं यार और क्या ही करना है अब। तो गाइस यार इस वाली केव में यार हम लोग जाने वाले हैं माइनिंग करने के लिए, यहाँ से यार मैंने लास्ट टाइम आयरन काफ़ी सारा निकाला था और उसके बाद ही मैं अपना आर्मर कंप्लीट कर पाया था। तो भाई 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 आराम से जाना है क्योंकि मैंने आर्मर वगैरह अभी पहना नहीं है, क्योंकि यार खोने का डर है भाई, जब आयरन का फार्म बन जाएगा ना यार तब कोई दिक्कत नहीं होगी। काम करते हैं टॉर्च मतलब टॉर्चेस वगैरह लगाते हुए चलते हैं भाई। हाँ नीचे स्लाइम्स वगैरह आ गए भाई, और तुम अलग परेशान कर लो भाई, यार एक तो आर्मर नहीं पहन रखा, ऊपर से इन लोगों को देख लो यार काफ़ी बदतमीज है यार ये स्लाइम, और एक होता नहीं मतलब यार 4-5 बच्चे हो जाते हैं उसके, भाई दिमाग ख़राब कर रखा है यार इन्होंने। बाकी यार स्लाइम बॉल्स का कुछ अच्छा यूज़ हो सकता है ना यार, मैंने ट्राई करना चाहूँगा, एक सेकंड। निकल तेरी भैंस की, भाई यार काफ़ी देर से परेशान कर रखा है भाई एकदम। ओ देखो देखो इसका भाई, अच्छा तू आया, ओह आराम से भाई, एक हट सामने नहीं आ रहा भाई, हट जा नूबड़ा कहीं का। भाई यार एक हट पे छोड़ा है इन्होंने, मैं एक काम कर रहा भाई मैं जा रहा ऊपर,
बस स्केलेटन का खतरा यार, वो कहीं से आके तीर ना मार दे भाई। ओ भाई भाई भाई, सामने की तरफ चलते यार, और मुझे ना यार डायमंड्स वगैरह दिखे हैं वैसे, मैं आप लोगों को बता दूँ ऊपर के। ओ शिट, नहीं भाई मैंने शील्ड डाउन करी थी। शिट भाई रात हो रही है, यस सोना भी पड़ेगा यार। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कम डाउन कम डाउन। मुझे पता है यार कहाँ पे है, मुझे पता है गुरु कुत्तू कर लेगा। कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं, आराम आराम से। वैसे भी ज़्यादा सामान अपने में नहीं था आराम से, लेकिन यार एक्सपी अपनी चली गई है, कोई बात नहीं आराम से भाई, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आराम से निकलेंगे भाई हम लोग। मुझे पता है यार कहाँ पे अपना सारा सामान गिरा हुआ है, बट यार स्क्रीपर पे मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है भाई, मतलब भैंस के पीछे जाके फट गया भाई। अच्छा नहीं हुआ यार, काफ़ी मुश्किल से उतनी एक्सपी करी थी यार मैंने, मतलब इधर उधर। उसके बाद यार मैंने बोला ना यार ऑफलाइन में मैंने विलेजर्स को लाया था उनके बेड बनाने के लिए, इतने शीप्स मारे ना मैंने, मतलब मेरे पास इतना सारा खाना हो गया भाई, सब चला गया भाई। हाँ आई थिंक इधर के लिए आराम से जंप मारेंगे, बस यार सामान डीस्पॉन ना हो जाए भाई, काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आराम आराम से चलेंगे यार इधर के लिए, और यार बस लावा वावा में गिर गया हो भाई। हाँ किधर के लिए था वो, दिखा दिखा दिखा, नाइस नाइस नाइस, आराम आराम से भाई। मैंने एक आयरन भी लेकर के आ चुका हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे मतलब मैंने दो आयरन मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे, और मैं तीनों को स्मेल्ट करके ऊपर का डायमंड यार निकाल लूँगा। और एक सेकंड मैंने आप लोग, अरे एक सेकंड, मैंने अभी तक आप लोगों को डायमंड दिखाया नहीं, एक सेकंड भाई मैं दिखा रहा हूँ। पहले तो यार ऊपर चलो और इन्वेंट्री मैनेज करो भाई, और ये लेदर की है कैसे। मैंने यार आयरन वगैरह लगा दिया स्मेल्ट होने के लिए, ताकि यार आयरन जल्दी से स्मेल्ट हो। एक सेकंड भाई अपनी शील्ड की हेल्थ देख लो यार, भाई 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 आराम से यार, इतनी फाइट नहीं करनी। और ये आपने डायमंड यार देखा अभी, और बाकी तो अपना आयरन यार स्मेल्ट हो चुका है यार, ये फर्नेस को ज़्यादा स्लो स्लो कम कर। लेट्स गो गाइस, तो अपना डायमंड जो है वो कलेक्ट हो चुका है पहला, और ये दूसरा वाला नाइस। मैं सोच रहा हूँ ना यार इसे कहीं पे रख दिया जाए, अगर मैं मरमुरा गया ना तो यार दिक्कत हो जाएगी भाई यार। भाई 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 यहाँ पे ना टॉर्चेस वगैरह बना ली जाए जल्दी से, और बाकी तो यार एक चेस्ट बना के यार मैं सोच रहा हूँ यार उसे रख देता हूँ, और मैंने रख भी दिया है भाई, और मतलब मैंने उधर जाके थोड़ा सा रख दिया चेस्ट में, मतलब दो डायमंड्स अपने रख दिए भाई, ताकि अगर मैं मरमुरा गया तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आए यार, क्योंकि अपने डायमंड्स यार कुछ ज़्यादा ही कीमती है अभी इस वाले वर्ल्ड में, क्योंकि अभी तक मिले नहीं, और बाकी यार गोल्ड काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो इसे भी यार कलेक्ट कर लेते। बाकी तो यार आयरन फार्म बनाना नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तो उसके लिए यार विलेजर्स यार कितने चाहिए, मतलब ऐसे तो पीसी भैंस की तू आ जा पहले हट। हाँ नहीं तो भाई यार कब से परेशान कर रही है भाई, मैं कुछ ज़्यादा ही डीप आ गया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे तीसरा डायमंड नहीं मिला। मैं सोच रहा हूँ यार तीन डायमंड लेकर के ना यार एक पिकैक्स बना के उसके बाद यार नेदर वगैरह में जाया जाए, और यार ये डायमंड मिल ही नहीं रहा भाई, आराम आराम से ढूंढ रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा भाई, ये काफ़ी गलत बात है यार कसम से भाई। हाँ यार मैंने दो डायमंड्स अपने यहाँ पे ला कर रख दिए भाई, और अपने पास अभी एक सेकेंड गोल्ड वगैरह, मेरा गोल्ड इधर गया, चलो कोई बात नहीं, गोल्ड आई थिंक मैंने उसमें ही रख दिया। बाकी तो मैंने सारी इन्वेंट्री अपने मैनेज कर रखी है, बाकी यार थोड़ा सा कोल ले लेते हैं भाई, क्योंकि अपने यार कोल ख़त्म हो गया था भाई कसम से, और टॉर्चेस वगैरह वहाँ पे ख़त्म हो गई थी मेरे पास, तो मैं बना नहीं पाया भाई। ओ गाइज आप लोग यार देख पा रहे हो मुझे यार वो मिल गया, मतलब एमेथिस्ट वाला जो कैसे बोलते हैं भाई, एमेथिस्ट वाला जो एरिया रहता है जहाँ पे हमें यार शार्ड वगैरह मिलते हैं वो मिल गया भाई, नाइस भाई पहली बार मिला है मुझे कसम से भाई। रे ना इससे ना हम लोग यार स्पाई ग्लास बना सकते हैं भाई, मतलब जो दूरबीन होती है ना अपनी यार वो बना सकते हैं, मज़ा आएगा। एक सेकेंड मिला क्यों नहीं भाई, ये तोड़ने से मिलते नहीं है क्या, आई थिंक ये छोटा वाला था, मिला नहीं भाई। एक सेकेंड कोई और मतलब बड़ा सा तोड़ के देखते हैं, इस वाले को तोड़ते हैं भाई, ओ मिला मिला मिला, जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं यार भाई। इससे ना यार स्पाई ग्लास बन सकता है यार इसको और कॉपर को मिलाने से, मतलब कॉपर को स्मेल्ट करके, और मेरे पास कॉपर यार पड़ा हुआ है, बाकी तो यार दूसरा तोड़ते हैं। तो गाइस यार मैं बाहर निकलता हूँ यार जल्दी जल्दी से इधर से भाई, और बाकी तो यार मैंने उस एरिया का यार स्क्रीनशॉट मार के रख लिया कि अगर बाद में यार कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उधर जा सकूं, और बाकी यार कॉपर लेने के यार जल्दी से यार चलते हैं, मतलब आई थिंक मेरे घर में पड़ा भी हुआ है कि नहीं मुझे अच्छे से याद नहीं है, कोई बात नहीं यार अपने वहाँ पे अपने विलेज के साइड एक छोटी सी छोटा सा गड्ढा है भाई। हाँ यही है यार वो छोटा सा गड्ढा है, इसके अंदर यार कॉपर पड़ा हुआ है। एक सेकंड किधर के लिए, ओ इधर के लिए, मैं जिधर से आया उधर में ही है, तो जल्दी जल्दी से तोड़ लेते हैं भाई उसके बाद चलते हैं भाई। लेट्स गो गाइस, तो अपना कॉपर जो है वो स्मेल्ट हो चुका है, और उसके बाद यार जल्दी से, ओ भाई स्पाई ग्लास स्पाई ग्लास स्पाई ग्लास, नाइस। ओ भाई अब जल्दी जल्दी से देख रहे हैं यार जल्दी, ए हट जा भाई। ओ भाई 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 भाई, भाई क्या मस्त है भाई, वो देखो यार आपको वहाँ पे काऊ दिख रही है, ये देखो क्या मस्त यार, ये यहाँ पे अपना ट्री हाउस भी दिख रहा है यार काफ़ी अच्छे से, एकदम क्लियरली दिखता है भाई, एकदम मस्त सा यार। तो चलो फिर यार आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताना यार, अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर शेयर दबा देना ऐसी और भी अमेजिंग और वीडियो जल्दी जल्दी देखने के लिए, और आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यार जल्दी जल्दी से मिल जाएंगे, ताकि आप हमारी मज़ेदार वीडियोज़ को जल्दी जल्दी देखते रहो यार, और लाइक कर देना यार अगर वीडियो पसंद आई होगी तो, और कमेंट करके बताना अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई न्यू गेम खेलूँ तो, और
बस फिर यार आज के इस वाले गेम प्ले वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।